हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों, ऐसा ये पेपर आपका कल आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसमें आपके लिए कुछ निर्देश यहाँ पर दिए हुए। पहला निर्देश इसमें दिया हुआ है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। दूसरा दिया हुआ, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। तीसरा इसमें दिया हुआ निर्देश, विद्यार्थी सभी प्रश्नों को हल प्रश्न पत्र में ही करें। हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएँ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, सृष्टि का विलोम शब्द है ब्रह्मांड, मरण, प्रलय, अंत। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सारा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ, निम्न में से कौन सा विकल्प विपरीतार्थक युग्म को व्यक्त नहीं करता। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ इसमें आय व्यय, दूसरा दिया हुआ गुरु लघु, तीसरा दिया हुआ सरल कठिन, चौथा दिया हुआ धर्म धार्मिक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, उपयुक्त विलोम शब्द से खाली स्थान भरे, जीवन और डैश 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 का सनातन संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहला ऑप्शन दिया हुआ मृत्यु, दूसरा दिया हुआ आत्मा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ नरक, चौथा ऑप्शन दिया हुआ इसमें स्वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ, सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ, बिच्छु, मोक्ष, ऋषि। क्वेश्चन नंबर चौथे का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेस, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ, शासक शब्द का विलोम है नौकर, रंक, शासित, शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा दिया हुआ, उपयुक्त विलोम शब्द से खाली स्थान भरे, सज्जन पुरुषों को डैश 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 कष्ट देते हैं, ईश्वर, दुर्जन, सार्वजनिक, अहंकारी। तो क्वेश्चन नंबर छठे का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ है, उपयुक्त विलोम शब्द से खाली स्थान भरे, उसके जैसा दोस्त किसी को भी ना मिले, मित्र, दुश्मन, वैरी, अमित्र। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ है, एकाधिकार का विलोम 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शब्द है सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार, अनेकाधिकार। तो क्वेश्चन नंबर आठवें का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर नौवां दिया हुआ, प्राचीन काल से ही संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है, पत्र, टेलीफोन, टेलीग्राम, कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर नौवें का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवां दिया हुआ, औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य, मित्र, संबंधी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दसवें का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह दिया हुआ, औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, विषय, पत्र लिखने वाले का पता, जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम तथा पता, संबोधन। क्वेश्चन नंबर 11 का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ, यदि एक ही नाम के दो व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो सही व्यक्ति तक वो पत्र कैसे पहुँचेगा, सही मकान नंबर, सही गली नंबर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आ नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, सही मकान नंबर, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या, अरब निवासी, अरबी, भ्रमर, कमल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तार, बाढ़, सर, नाराज।
क्वेश्चन नंबर 14 का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तारिश को नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन सा, हीरा, कनक, तांबा, चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी, कनक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चक्षु, लोचन, वृष्टि, नेत्र। क्वेश्चन नंबर 16 का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, वृष्टि। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, घमंड शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मान, विनम्रता, गुमान, गर्व। क्वेश्चन नंबर 17 का बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विनम्रता, इसको नोट करिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धनुज, दैत्य, दानव, यक्ष। क्वेश्चन नंबर 18 का दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, पार्थिव, स्वर्गीय, लौकिक, अद्वितीय। क्वेश्चन नंबर 19 का दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, सेना का पर्यायवाची शब्द है, सैनिक, अनेक, अतनु और आर्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्य, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस प्रकार से दोस्तों आपका पेपर आ सकता है, आने वाला है दोस्तों। ये आपका दोस्तों क्लास 9th हिंदी का पेपर था, इस प्रकार से आपका पेपर कल आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।